वेरी गुड, तू भी सीख ले इससे कुछ। ठीक है। ओए 5 बज गए यार, मैं थिएटर क्लास में टाइम नहीं आ रही। मैं अभी चल रहा हूं। बाय बाबा। बाय बच्चों। हाय रोशनी। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? ऑसम यार। एक पुकार समाज के उस चेहरे को दिखाती है जिसे कोई नहीं देखना चाहता, यहां तक कि हम भी नहीं। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे तेजाब से जला दिया गया। तो ये है हमारे इस बार का प्ले। ये ऐसी स्क्रिप्ट। सर, इस लड़की का रोल ना मैं करूंगी। तू रहने दे, इतना कुछ रखे और इंटेंस रोल करेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बैठे सारे रोल्स कर सकते हैं। बस रियल लाइफ और रियल लाइफ में स्विच करना आना चाहिए। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल सुबह मिलेंगे और सब लोग स्क्रिप्ट पढ़ के आएंगे। सी यू टुमॉरो। बाय सर। यार ये कितना अच्छा लग रहा है यार। ये लीड रोल ना मेरे को ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम स्क्रिप्ट दिखाइयो मेरे को। देखो भी दे। हां दे। एक पुकार। अरे भैया, मैं दिख न जाऊं कि वो आंखें मूंद लेते, मैं छू न जाऊं। अरे पागल है क्या? कम से कम इसमें तो सीरियस हो जाओ, इतना इंटेंस प्ले है। यार इंटेंसिटी कहीं तेल लगा रही, मुझे तो ना बस लीड रोल से मतलब है। ए भगवान, ले लियो लीड रोल, कम से कम इस पे रिसर्च तो कर लेंगे। देखो अगर अच्छा देख सो। अच्छा सुन, मैं पानी पी के आती हूं। आज से रिटायर क्यों तो ओनली 5 डेज एंड यस फॉर फॉर इंडियन एज अदर कश्मीर में और इंडियन को मान से बना के थर्ड टाइम को जाने का। ऑडिशन दे। चलो आशी, आखिर में तू भी आ जा। मैं दिख न जाऊं कि वो आंखें मूंद लेते, मैं छू न जाऊं कि वो खुद को मूंद लेते। चारों ओर सुनसान की कहां जाऊं, गलती क्या थी मेरी जो मैं जान छुप जाऊं। हो क्या है? पता नहीं यार, मुझे क्या हो गया, बस सारा टाइम गुस्सा आता रहता है।
मुझको ना रोशनी के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बता। चल बैठते हैं। हाँ। कल ना बहुत परेशान थी मैं, उसकी हालत देख के लिटरली बहुत डर गया। हाँ यार, उसकी हालत फिर से पहले जैसी होती जा रही है यार। हाँ यार, और याद है पता नहीं कैसे एक दिन वो ठीक भी हो गई थी। कास्ट फूट कर रोती जैसे कोई अपना दूर चला गया हो, ना स्कूल जाती ना खाना खाती, कारण ना खुद समझ पाती और ना दूसरों को समझा पाती। एक दिन उसके दोस्त उससे मिलने आए और बातों ही बातों में वो ठीक होने लगी। उस दिन के बाद से उसमें एक नई खुशी जाग गई। प्रेजेंट। पर यार इस बार उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। चल यार उससे मिलने चलते हैं, पता नहीं क्या कर रही होगी।